अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज देखिए इनका चौथा दिन है और ये देखिए ये इस तरह है कि जैसे ये कह रहे हैं कि पिंजरा तोड़ के बाहर आ जाए। ये देखिए ये पोजीशन आपके सामने है माशाल्लाह। तो अभी सुबह का टाइम है और सबसे पहले आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था तो इनको पहले मैंने धूप में रखा था। अभी इनको सबसे पहले पानी का नहीं पिलाते हैं, तो ये इसका पिंजरा खोलते हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। नहीं जी, सबसे पहले इनका काम है पानी पीना। रात को मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था तो फिर मैंने इनके ऊपर कपड़ा शपड़ा डाल दिया था और अभी ये जनाब पानी पी रहे हैं। देखिए पानी पियेंगे, फिर इनकी एक्सरसाइज करवाएंगे, इनको चक्कर शक्कर लगवाएंगे और ये गीले भी हो रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये पानी जो है ना ये इधर नीचे गिरा देते हैं, यहाँ से पियेंगे, क्योंकि प्लेट के अंदर ये है कि ये गीले हो रहे हैं तो ये छत से पानी पियेंगे इस तरह। तो अभी देखिए ये गीले हो रहे हैं तो अभी इनको लेके जाते हैं धूप वाली साइड पे। यहाँ पे धूप है तो यहाँ पे ज़रा ये खेलेंगे और थोड़ा ऐसा ना इनका माहौल चेंज होगा। और इनको आज ना इनकी एक स्पेशल खुराक बनाएंगे, वो आपको दिखाएंगे कि आज इनके लिए ना मैं एक स्पेशल चीज़ बनाने वाला हूँ। ये देखिए अभी धूप में ये खुश होंगे क्योंकि पानी पिया, गीले हो गए हैं। अब यहाँ पे इनको थोड़ा बहुत बाजरा वगैरह भी मिलेगा क्योंकि ये कल का बाजरा वगैरह दाना गिरा हुआ है। और ये देखिए कि ये जब इनको इस तरह छोड़ते हैं, इनकी एक्सरसाइज होती है तो इनका ये इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। ये देखिए इनका मैदा, तो अगर हम इसको नहीं छोड़ते तो इस तरह फिर इनका मैदा बंद हो जाता है तो फिर ये बीमार होने का इनका खतरा होता है। तो किसी ऐसी जगह पे छोड़ना है जहाँ पे बिल्ली ना हो, कोई मसला ना हो, वहाँ पे इनको छोड़ें और ये एक्सरसाइज करें, भागा दौड़ी करें। अभी देखिए जी चूज़ों ने पानी वगैरह पी लिया है और उसके बाद ये यहाँ पे छत पे घूम फिर रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये अभी भी गीला है। देखिए पानी पीने की वजह से ना ये गीला हो गया। तो अब मैं इसको ना इसलिए धूप में छोड़ा हुआ है ताकि ये खुश्क हो जाए। ये देखिए इसकी आप स्किन चेक कर सकते हैं, ये गीला हुआ हुआ है। तो अभी इसको ये देखिए ये कहाँ पर है, अब ये देखिए पानी और ठंड की वजह से ये कहाँ पर है। तो इसलिए मैंने इसको धूप में छोड़ा है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो ठीक हो जाए और ये बिल्कुल सही हो जाए नॉर्मल पहले की तरह। क्योंकि जब ये पानी पीते हैं ना तो ये अपने ऊपर पानी गिरा लेते हैं, तो फिर ये होता है कि इनको जो पानी डालने वाला बर्तन है ना, मैं तो सिंपली इसको घर में प्लेट में डाल रहा था क्योंकि हमने ये घर में रखे हुए हैं। तो अब इनका कोई ना बर्तन ऐसा बनाते हैं कि जिससे इनके ऊपर पानी ना पड़े और ये पानी भी पिए और ये है कि फिर ना इनके ऊपर पानी भी ना पड़े। अब ये देखिए उसी प्लेट में जाके दोबारा से ये पानी ढूंढ रहे हैं। तो अब ये देखिए वहाँ पे पानी तो नहीं है, पानी मैंने गिरा दिया था क्योंकि ये वहाँ पे पूरे गीले हो जाते हैं तो इसलिए इनको गीला नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर गीले हो गए तो फिर ये ना मसला बनेगा, बीमार हो जाएंगे।
तो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह प्लेट में जाके ना चिपके हुए हैं। देखिए जैसे इनकी बॉडी ड्राई हुई है ना, तो अब ये इन्होंने ना भागना शुरू कर दिया है, एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तो मैं पहले भी आपको कह रहा था कि ये एक्सरसाइज जो है ना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये ऐसे भागेंगे, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से फिर वापस आएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपने मालक के पास पास ही रहते हैं, मतलब कि ये देखिए ये यहाँ पर आ जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये अलग-अलग नहीं होते और आपको ज़्यादा मसला नहीं बनता। और ये जो देसी वाले चूज़े हैं ना, ये मुझे थोड़े से कमज़ोर लग रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही पता नहीं कौन सी नस्ल है, बिल्कुल हल्की हल्की है। तो इनकी ग्रोथ बड़ी स्लो हो रही है फ़िलहाल। और बाकी जो हमने जो ब्रायलर लिए थे, कलरफुल चिक्स लिए थे, इनकी ग्रोथ बेहतरीन है माशाल्लाह। आज चौथा दिन है इनका, ये देख रहे हैं आप, इनकी कंडीशन देख सकते हैं, ये आज चौथे दिन की है। ये देखिए तो आज इनके लिए एक बड़ी स्पेशल सी खुराक बनाएंगे, जो कि इनको चौथे पांचवें दिन में डालते हैं और इनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी से हम ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे और ये ग्रोथ करना स्टार्ट होंगे। अब ये देखिए जी, चूहों ने जो पानी पिया ना, तो इनके ऊपर पानी वगैरह गिरा है, और ये जो है ना, ये काफ़ी सुस्त हुआ है। देखिए ये बार बार सो रहा है। हाँ अभी चल के दिखा, ले जी अभी तकरीबन ना इनको मैंने कोई 1.5 घंटा छोड़ा था धूप में बाहर, और 1.5 घंटे के बाद अभी इनका जो सेशन है कंप्लीट हो गया। तो अभी इनको वापस इनके डब्बे में डालते हैं। ये देखिए जा नहीं रहे, लेकिन ये है कि आजो 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 आजो, बाहर क्यों निकल रहे बेटा, बाहर क्यों निकल रहे? ओहो अभी अंदर नहीं जाना चाह रहे, तो इनको अभी इस पिंजरे में डालना है। आजा 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 आजा, ये भी थोड़ा सा परेशान है, इसको चेक करते हैं, इसको क्या मसला है। ये ना सुबह से ना थोड़ा सा ढीला ढीला सा फिर रहा है। ये देसी मुर्गा, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ भी तुझे क्या मसला है, तू क्यों ढीला यार, तू क्यों ढीला? हाँ अबे सीधा हो, तगड़ा हो, चल अपने दोस्तों के साथ खेल जाके, चलो 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 चलो। ले जी अभी इनको मैंने बंद कर दिया, अब ये अंदर से खाएंगे बाजरा और इनकी फीड वगैरह डाली हुई है। तो नेक्स्ट इनकी खुराक बनाते हैं और इनके केज की ना क्लीनिंग भी करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं साथ साथ कि इसको साफ़ कैसे रखना है। अगर माहौल को साफ रखेंगे तो फिर ही ये चूज़े ग्रो करेंगे, वरना ये फिर ना मर जाते हैं।